अस्सलाम वालेकुम, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम ऑन माय चैनल प्योर हार्ट विद मिदीहा। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड हिट द बेल आइकन टिंग 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 फॉर माय फर्दर वीडियो। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही मज़े का, बहुत ही यमीएस्ट ये बनता है बर्गर, और इस बर्गर का नाम है बोटी बर्गर। सीरियसली बहुत जूसी, बहुत मज़े का चिकन, इतना टेंडर बनता है। आप लोग एक दफ़ा लाजमी ट्राई करें, मेरे कहने पर आप और आपकी फैमिली बहुत लाइक करेगी ये खाकर। बहुत ही ये आपका फेवरेट बनने वाला है, और इसको बनाना बहुत ही ईजी मेथड है। घर में आपकी सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। मैंने ले लिया था एक चिकन चेस्ट पीस, जिसको मैंने जूलियन कट यानी कि लंबा लंबा काट लिया था। पहले अच्छे से धो लेना है, उसके बाद इसे कट कर लेना है लंबाई में। 1/4 टीस्पून वाइट पेपर, 1/4 टीस्पून नमक, और साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी 1/4 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, साथ ही ऐड कर लूँगी 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून लेवल डाल लूँगी घी का, और एक चुटकी दुरुशी पड़ कर कलौंजी, और इसमें डालूँगी मैं 3 टेबलस्पून लेवल में डालूँगी इसमें दही के, और इन सब चीज़ों को मैं कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। इसको आपने मैरिनेट नहीं करना, बस इसको साथ ही आपने फ्लेम पर रख देना है। और इसमें 1/4 कप अब इसमें डाल दिया है पानी, और पानी डाल लेने के बाद इसको मैं कर लूँगी अच्छा सा मिक्स। मिक्स करके इसे कवर करके पकाऊंगी, तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर ये अच्छा सा गल जाएगा, पक जाएगा। और फिर इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर लेना है, कि इसमें ये जो पानी या वाटर आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल ड्राई हो जाना चाहिए। आ जाते हैं बंस पर। बंस आपको जो भी मिलते हैं, इस टाइम तो मुझे ये भी मिले हुए थे जिसमें ब्लैक सेसमी सीड्स यानी कि ब्लैक तिल लगे हुए थे, और वाइट तिल वाले भी मेरे पास थे। तो आपको जौन से भी मिलते हैं आपने वही ले लेने हैं। लाजमी नहीं है कि अब मैंने ब्लैक सीड्स वाले यूज़ किए हैं, तो आप भी ऐसे ही ढूंढ के लाएँ जो भी इजीली। ये देखें, अब मैं आपको दिखा रही हूँ, 4 का पैक भी इन्होंने देना शुरू कर दिया है। तो इसके अलावा आप जौन से भी आपको मिलते हैं आप इजीली यूज़ कर लें। तो मैं क्या करूँगी, मैं 2 बर्गर्स जो हैं वो ब्लैक सेसमी सीड्स के साथ बनाऊँगी, और एक जो है वो वाइट सेसमी सीड्स के साथ वाला जो बन है उसमें बना लूँगी ये बर्गर। और इसको मैं पैक करके रख लूँगी कि नेक्स्ट टाइम जब बनाना होगा तो साथ ही मैं इसे बना लूँगी 1 से 2 दिन के अंदर ही, क्योंकि ये ड्राई हो जाता है। आपने कोई सा भी पैन या तवा, उसके ऊपर आपने हल्का सा घी डाल लेना है, और इन बंस को आपने हल्का हल्का सा सेक लेना है, ताकि इसे होता है कि ना, अगर आप इस तरीके से ये नहीं ना करेंगे, इस तरीके से सेकेंगे नहीं अगर, तो जो बन है ना वो बिल्कुल सूखा सूखा सा, रूखा रूखा सा लगता है। तो लाजमी आप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून घी का डालें या ऑयल का डालें, और इसमें जल्दी से आपने इन बंस को यूँ सेक लेना है। ये देखें, और वो मिक्सचर आपने देख लिया है ड्राई हो गया था, तो मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। और जैसे ये तीनों अच्छे से सेक के, इसके बाद ले लेनी है वेजीज। वेजीज जो भी आपको पसंद है, मैंने यूज़ किया है टमाटो, क्यूकम्बर और अनियंस। आप इसमें कैबेज भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप इसमें अपने पसंद के वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। और अब इस बन का जो लोअर पार्ट है जिसको हमने फिल करना है, वो मैंने तीनों रख दिए हैं। और मैंने क्या किया है, चिली गार्लिक सॉस और प्लेन केचप को मिक्स करके इस बॉटल में फिल कर लिया था, और वो मैं 1-1 टेबलस्पून भरकर इसमें डालूँगी और अच्छा से इसे स्प्रेड कर लूँगी, ताकि ये जो केचप और चिली गार्लिक सॉस है वो अच्छा सा हर तरफ लग जाए। जब इस पर ये चिली गार्लिक सॉस और केचप अच्छा सा आप लगा लेंगे, और इसके बाद फिर वो जो चिकन हम लोगों ने रेडी किया था, अब मैं इसके ऊपर डालूँगी वो चिकन। ये देखें, चिकन इस तरीके से मैंने बिल्कुल ड्राई नहीं किया, हल्का सा इसे सिर्फ सॉस ही रखा है, कि जस्ट इसकी वो जो सॉस बनी थी ना, उसकी सिर्फ कोटिंग ऊपर आ जाएगी बस। इसको बहुत ज़्यादा वाला ड्राई नहीं करना। और इसके बाद मैं 2-2 टेबलस्पून भरकर इस चिकन की फिलिंग इसके ऊपर रख लूँगी। 2 टेबलस्पून भरे हुए इनफ होते हैं एक बर्गर के अंदर, क्योंकि हर चीज़ का फ्लेवर तभी आता है। अगर चिकन को ही मैं बहुत ज़्यादा फिल कर देती तो वो इतना फ्लेवर सिर्फ चिकन का ही आना था, और बाकी सब सॉसेस और इन वेजेस का फ्लेवर दब जाना था। हर चीज़ को बैलेंस में रखेंगे तो ही हर चीज़ अपना खुद का फ्लेवर देगी आपको। और इसके बाद वो जो प्याज मैंने थिन स्लाइस कट किए हुए थे वो मैंने रख दिया। अच्छा, जब मैंने प्याज को कट किया था ना, उसके बाद मैंने इसे पानी में अच्छा सा धो लिया था, और फिर इसे निचोड़ कर, और तब मैंने इसे यूज़ किया है। इसको इस तरीके से नहीं यूज़ करना, क्योंकि आजकल के जो प्याज आ रहे हैं वो बहुत ही तेज़ी वाले हैं, तो इसीलिए आपने ये ख्याल रखना है। ये 2 सॉस हैं, मायो मस्टर्ड सॉस और मायो चिली सॉस। अच्छा, जो मायो मस्टर्ड सॉस है, आपने मायो के अंदर मस्टर्ड
पाउडर या मस्टर्ड पेस्ट डाल दें, वो मायो मस्टर्ड सॉस बन जाएगी। और मायो चिली सॉस के अंदर जो है आपने मायो के अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल दें तो वो आपके मायो चिली सॉस बन जाएगी। टमाटर को मैंने थिन स्लाइस में कट करके वो मैंने रख दी इसके ऊपर, और इसके बाद ये इसमें डालूंगी मायो चिली सॉस, जिसमें मायो और चिली सॉस मैंने डाल दी थी। थर्ड वाले में नहीं डालूंगी क्योंकि वो भाभी जान के लिए बना हुआ था और उन्होंने कहा था कि मैंने मायो वाली सॉस नहीं लेनी, तो पहली वाली तो मैंने डाल दी थी, मैंने कहा वो तो डाल दी अब और सेकंड वाली चले नहीं डालती। इसके बाद मैंने खीरा रख कर उसको थिन स्लाइस कट करके खीरे को रख दिया। और इसके बाद अब मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा दूंगी। फ़्राइज़ को मैंने, ये मेरे बहुत ही स्पेशल फ्राइज़ जो मैं बनाती हूँ, सारी फैमिली लाइक करती है, साथ ही मैंने फ़्राइज़ बना लिए थे। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। अच्छा, फ़्राइज़ की रेसिपी मैं इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द आपके साथ शेयर करूँगी, आप बहुत ही इंजॉय करके इसे खाएँगे। और आपने लाजमी ये ट्राई करना है, आप इसे पार्टीज़ पे रख सकते हैं आपके, जिस तरीके से बच्चों के अगर स्कूल ओपन हो गए हैं तो आप उसमें उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप खुद सारी फैमिली, जिस तरीके से अगर आपका संडे ऑफ आता है या फ्राइडे ऑफ आता है, तो सारी फैमिली बहुत ही इंजॉय करके अपने टी टाइम के टाइम पर आप इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही कमाल का, थोड़े से इंग्रेडिएंट के अंदर झटपट बन जाने वाला ये है बोटी बर्गर। आपने लाजमी इसे ट्राई करना है और आपने मुझे लाजमी इसका फीडबैक देना है। आप इसकी पिक मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी देखकर। और आप मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेशन में भी दे सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको कर दें सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट्स अच्छी लगी हो तो इसको कर दें लाइक, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ताकि वो हाइजीनिकली ऐसी बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपी सीख सकें। सीरियसली बहुत ही कोई कमाल का बना था, आपने लाजमी 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 इसे ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मिल के खा लूँ ताकि आप लोगों का भी दिल करे और आप लोग भी जल्दी जल्दी से जाकर बनाएं। और लाजमी आपने मुझे बताना है। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला बुरे लोगों, बुरे वक्त और बुरी घड़ी से हम सबको हमेशा बचा के रखे। मिलती हूँ मैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी नहीं जाना। एंड फॉर माई साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।